हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रोशनी और आज मैं आपके साथ कद्दू की सब्जी का रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत टेस्टी होता है, कई लोग इसे खाना पसंद नहीं करते हैं, पर जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी जिस मेथड से, अगर उस तरीके से आप बनाएंगे तो ये काफ़ी लोग पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है ये सब्जी, बहुत जल्दी बन भी जाती है और इन्ग्रीडियंट भी इसमें बहुत कम लगते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमने कद्दू ले लिया है, लगभग हाफ के जी हमने इसे हाफ के जी कद्दू लिया है। इसे हमने अच्छे से वॉश करके कट कर लिया है, छोटे छोटे पीसेस में हमें कट करना है, ना ज़्यादा मोटा ना पतला रखना है। इसे छिलके हमने नहीं हटाए हैं, छिलकों के साथ ही कट किया है। अब हमने अनियन ले लिया है 2 मीडियम साइज के, इसे चॉप कर लिया है। ग्रेटेड जिंजर लिया है लगभग हाफ टेबल स्पून, गुड़ पाउडर शक्कर जिसे हम कहते हैं 1 टेबल स्पून। अब हम कुछ मसाले लेंगे, जिसमें हमने ले लिया है गरम मसाला, चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, हमने ले लिया आमचूर पाउडर 1/2 टेबल स्पून और हमने लिया है हींग 1/2 टेबल स्पून। यहाँ पर कुछ सूखे मसाले, ड्राई मसाले हमने लिए हैं, जिसमें हमने ले लिया है ब्लैक मस्टर्ड सीड्स जिसे राय भी कहते हैं 1 टेबल स्पून, ड्राई रेड चिली 2 से 3 और तेज पत्ते 2। हम एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें हमने मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है, लगभग 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। इसमें हमने ऐड किया है राई, ड्राई रेड चिली, तेज पत्ते, ये सब डालकर हम एक बार इसे हल्का सा स्टर कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे ग्रेटेड जिंजर और इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हमने ऐड किया है हींग और ये सबको एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे चॉप्ड अनियन, इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर स्टर करते हुए इसे फ्राई करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टेबल स्पून, हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब इसमें से ऑयल्स रिलीज होने लगे, ऑयल सेपरेट होने लगे और अनियन हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाए, अच्छे से भुन जाए, फिर हम इसमें ऐड करेंगे पम्पकिन, इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करके पकाएंगे। कवर करके हम इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट बाद लिड हटाकर चेक करेंगे, पम्पकिन से भी जो वाटर है, पानी है, वो रिलीज होता है और फिर उसी में ये पकता है। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड किया 1 टेबल स्पून और गरम मसाला 1 टेबल स्पून। फिर से हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमें लो रखना है, आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसे हम वापस फिर से कवर करके पकाएंगे। कवर करके लगभग 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर फिर से हम इसे पकने देंगे। लिड हटाकर हम चेक करेंगे, देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा जो पम्पकिन है वो गलना स्टार्ट हो गया है और ये पक भी रहा है, पक चुका है लगभग 80%। अब हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर, आप चाहे तो चीनी भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, मिठास बढ़ाने के लिए हमने गुड़ शक्कर ऐड किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आमचूर पाउडर 1/2 टेबल स्पून, थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट हो इसका तो बहुत अच्छा लगता है टेस्ट इसका। अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून हमने ऐड किया है, तीखा पसंद है तो आप और ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून वाटर ऐड किया है, पानी, ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और हम इसे कवर करके लगभग 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। 1 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, ये काफ़ी अच्छे से पक चुका है और
मसाले आपस में एक साथ मिक्स हो गए हैं। बहुत ही अच्छा टेक्सचर है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। बहुत टेस्टी सब्जी होती है, आप कद्दू की सब्जी इस तरीके से बनाइए और सभी को खिलाइए। काफ़ी लोग इसे पसंद करेंगे, जिन्हें भी आप खिलाएंगे। आज मैंने इसे राइस के साथ बनाया है। आप पूरी, रोटी, किसी के साथ भी पराठे, आप किसी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। बहुत टेस्टी सब्जी होती है ये। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।